हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वंडर एंड मैजिकल वर्ल्ड ऑफ वे प्रोटीन। पिछला वीडियो हमने बनाया था वे प्रोटीन क्या होता है उसकी बेसिक जानकारी के ऊपर। आज का वीडियो हम बनाने वाले हैं कि वे प्रोटीन बनाने की प्रोसेस क्या होती है, जिससे कई सारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको वे प्रोटीन बनाने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जाना है उनको कुछ गाइडेंस मिल सके। और लास्ट में मैं ऐसी टिप देने वाला हूँ, ब्लू प्रिंट देने वाला हूँ जो मैंने इतने सालों में रिसर्च किया है कि कैसे वे प्रोटीन एक्चुअली बनता है और कैसे आप बना सकते हैं, जिससे यंग एंटरप्रेन्योर जो वो मोटिवेट होंगे और वे प्रोटीन प्लांट या मैन्युफैक्चरिंग शायद लगा दे और फ्यूचर में शायद वही प्रोटीन हमें फ्री में भी प्रोवाइड कर सके। जोक्स अपार्ट, आज के वीडियो में बात करेंगे कि वे प्रोटीन बनता कैसे है। सीन नंबर वन है, वे प्रोटीन बनने का पहला स्टेप सबसे पहले होता है कि भाई का मिल्किंग काउ जो होती है, बफेलो जो होती है, इनका जो मिल्क है वो उसका बेस प्रोटीन में मटेरियल होता है। तो उसके लिए डेयरी फार्म्स होते हैं और डेयरी फार्म्स जो है वहाँ पे मिल्किंग किया जाता है फार्मर्स के द्वारा, और फार्मर्स ये मिल्क किया हुआ मिल्क को अलग रख देते हैं प्रोसेस करने के लिए। तो इसके लिए कई सारी काउस चाहिए। तो सबसे पहले तो यू नीड टू ओन अ डेयरी फार्म, और इंडिया में अगर ये बिजनेस करता है तो आपको खेडूत या तो फार्मर होना ज़रूरी है, बिकॉज फार्मर्स कैन ओनली ओन अ लैंड। इसीलिए फार्मर और मिल्किंग प्रोसेस के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स और डेयरी फार्म, ये अगर आपके पास है तो यू हैव अ गुड पोटेंशियल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ वे प्रोटीन प्लांट। कहानी में आगे बढ़ते हैं। वे प्रोटीन के लिए मिल्क को डिराइव करने के बाद इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है बड़े बड़े ट्रक के थ्रू, और ट्रक्स के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जब ये प्रोटीन पहुँचता है, मिल्क पहुँचता है, तो ये मिल्क को बड़े बड़े वेसल्स में डाला जाता है। अब ये प्रोसेसर होते हैं जिसमें कर्ड, पनीर और मिल्क अलग अलग हो जाता है, और जब ये अलग अलग हो जाता है उसके बाद उससे बड़े बड़े वही वेसल्स के थ्रू अलग अलग जगह पे भेज दिया जाता है अलग अलग यूनिट्स में। एक प्लांट के अंदर बहुत सारे यूनिट होते हैं, बिकॉज डेयरी प्रोडक्ट भी बहुत तरह की होती है। दूध, पनीर, दही, बटर, चीज़, कितनी सारी नजर प्रोडक्ट हम खाते हैं जो दूध से आती है, और ऐसे तो है जो हम खाते हैं, ऐसे कई सारे प्रोडक्ट है जो खाते भी नहीं और दूध से बनती है। और यही प्रोडक्ट जो है इसको अलग अलग यूनिट में भेजने के बाद उसके ऊपर प्रोसेसिंग का काम होता है, उसमें से डेरिवेटिव्स निकाले जाते हैं। डेरिवेटिव्स लाइक वे प्रोटीन एंड केसिन प्रोटीन, ये मेजर डेरिवेटिव है जो दूध में से निकाले जाते हैं प्रोटीन के संदर्भ में। और अब बात करते हैं सिर्फ वे प्रोटीन प्लांट की, बिकॉज वे प्रोटीन हमारी आज की कहानी का सुपर हीरो है। लेट्स फोकस ऑन अवर सुपर हीरो। कहानी में अगला सीन होता है विच इज़ पास्चराइजेशन और प्योरिफिकेशन, मतलब जो दूध में से मिला हुआ वे और केसिन है उसको पास्चराइज किया जाता है और उसमें से एकदम क्लीन किया जाता है, बिल्कुल ऐसी चीज़ ना रह जाए जो टॉक्सिक होती है या बगैर काम की है, उसे कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, मतलब उसका प्योर फॉर्म ऑफ वे प्रोटीन बनाया जाता है। और ये अभी भी लिक्विड फॉर्म में है, इसको अब आगे बढ़ते हैं ड्राई फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। इसको ड्राई किया जाता है ड्रायर के अंदर और इसका पाउडर फॉर्म बनाया जाता है। जैसे मिल्क का कैसे पाउडर फॉर्म होता है, वैसे वे का भी मिल्क लिक्विड से ड्रायर फॉर्म के अंदर ड्राई फॉर्म बनाया जाता है, और इसमें से फाइन पार्टिकल्स को अलग किया जाता है। कहानी में एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं और अब प्रोसेस आती है फ्लेवरिंग की, मतलब इसके अंदर एडिटिव्स डाले जाते हैं, जैसे कोको फ्लेवर चॉकलेट के लिए, कॉफ़ी फ्लेवर के लिए, वेनिला एसेंस वेनिला फ्लेवर के लिए। आपको जो भी फ्लेवर जो आप पीते हैं उसमें वे प्रोटीन के अंदर वो डेरिवेटिव ऊपर से डाले जाते हैं और उसे फिर मिक्स किया जाता है। ये मिक्सिंग की जो प्रोसेस है वो ग्राइंडर में होती है, और ये वही ग्राइंडर है जो आप घर पे भी यूज़ करते हो, बस उसकी साइज़ बड़ी होती है, जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। कहानी में अगला स्टेप आता है विच इज़ फाइन पार्टिकल्स को रिफाइन करना, मतलब घर पे जैसे हम अनाज को छालते हैं छलनी से, वैसे ही इसको छला जाता है और फाइन पार्टिकल्स होते हैं, ओनली फाइन पार्टिकल्स दैट गो आउटसाइड और इनसाइड द बॉक्स, और उसे पैकेज किया जाता है, और पैकेजिंग जो है वो इतना खूबसूरत रखा जाता है कि आप देखते ही उसे पसंद कर लेते हैं, और ये वे प्रोटीन जो है इस तरह से आपके घर पर डिलीवर होता है। तो ये सारी प्रोसेस जो हमने बताई कि भाई वे प्रोटीन मिल्किंग लिक्विड प्रोडक्ट से सॉलिड और एडिटिव वाली प्रोडक्ट से जो टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है और रिचनेस के लिए हमारी बॉडी के लिए अच्छा भी होता है, उसी प्रोसेस जो है हमने डिस्क्राइब की है। आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ में से पता चली होगी। नाउ ये सारी प्रोसेस जो है इसका हमने वीडियो भी रखा है, इसका हमने डिस्क्रिप्शन भी नीचे बॉक्स में रखा है, वो भी आप पढ़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। और अगर आपको इस प्रोजेक्ट में काम करना है और आप ढूंढ रहे एक अच्छे पार्टनर, तो वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉर अ गुड पार्टनर के जो हमारे साथ इसमें कॉलैब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।